अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। तो सुबह हो गई है, सुबह एक दफ़ा उठ चुके हूँ, फजर की नमाज़ पढ़ी, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत काम किया, फिर उसके बाद दोबारा सो गए। अभी थोड़ा काम है वो करने लगे, देखते हैं आज का दिन कैसा गुजरता है। आप हमारे साथ रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकन बेल का बटन भी दबा दें ताकि आपको मेरी हर वीडियो मिलती रहे। तो जिस कंट्री में मैं रह रही हूँ वहाँ का आप सब कुछ देखेंगे, आपको पता चलेगा कि क्या हालात होते हैं, कैसे रहते हैं हम लोग पाकिस्तान में, गांव में, शहरों में, सारी ज़िंदगी आप लोग देते हैं एशिया के साइड की। अभी हम लोग अरब मुल्क में रह रहे हैं, तो अरब मुल्क में कैसा है ये देखेंगे आप। और यूरोप में भी तो आप लोगों ने बहुत व्लॉग देखे हैं, देखते हैं, यहाँ भी देखेंगे हमारी ज़िंदगी किस तरह होती है। और फ्लैट में रह रहे हैं, घर नहीं है, अपना फ्लैट सिस्टम होता है जो उसमें रह रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने सेट कर ली हैं, अभी सारी सेटिंग हो गई है। आज बाहर बहुत डस्ट उठी हुई है, फिर पूरा एक वीक हो गया डस्ट चल रही है। देखें जी, मुझे यहाँ पर मेरे पास कोई सिस्टम नहीं है बाहर कपड़े को ड्राई करने के लिए, तो यहाँ पर ही मैंने अपने बेडरूम में ना ये रखा है स्टैंड। और इसको हम कपड़े कैसे सुखाते हैं, ये एक पंखा लगा कर रखा हुआ है, तो ये पंखा चलता रहता है कपड़े सुखाने के लिए। यहाँ पर क्या हाल चल रहा है, यहाँ देखते हैं क्या हो रहा है। अल्लाह, किचन में भी बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, करने वाला बहुत काम है ये तो। चले जी, कर लेते हैं इसका भी समेटा समाटी, शुरू करते हैं इसको भी। ये देखें जी, सुबह सुबह किसी ने कोई समोसे ला के रख दिए हुए हैं, देखें ये मेरे बेटे ने लिए होंगे तो उसने खाए हैं। किचन की सफाई का काम चल रहा है। उस वक्त तक नाश्ता नहीं बनाना शुरू करती जब तक मैं किचन साफ ना करूँ। साफ हुआ होता है लेकिन मुझे फिर भी साफ करना होता है एक दफ़ा फिर से हर चीज़, क्योंकि यहाँ डस्ट चल रही है। एक महीना नहीं, एक हफ्ता हो गया, पूरा एक वीक हो गया, वन वीक से ये डस्ट चल रही है पूरी। तो यहाँ डस्ट की वजह से ना ये सारी चीज़ें जो है थोड़ी थोड़ी गंदी सी हो जाती है, डस्ट आ जाती है चीज़ों पर। टेबल हटाई है मैंने यहाँ से, ये देखिए मैं आपको टेबल दिखाती हूँ, ये वाली। तो इसको हटाया तो नीचे से ये निकला है, ये कितने दिनों से मैंगो पड़ा हुआ था, भूल गई हुई थी इसको रख के। तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है, पक गया अब तो। अभी मुझे नज़र आया, काफ़ी दिनों से मेरा ख्याल 4-5 दिन से पड़ा हुआ था यार, तो हो गया ये सही बेहतरीन। कचरा फेंक आती है, कचरा तो मैंने फेंक दिया है ना जहाँ, तो वहाँ लाजमी मुझे ना ये स्प्रे भी है ना जो ये करना पड़ता है, क्योंकि हम लोगों का जो सिस्टम है ना वो इधर ही ऐसा है कि इधर हम लोग कचरा फेंकेंगे तो फिर ना ये देखिए इधर, तो क्या है यहाँ ना कीड़े वगैरह आने का होता है ज़रा मुझे, तो मैं ये स्प्रे जो है ना ये यहाँ कर देती हूँ ताकि कीड़े जो है ना यहाँ ना आए। थोड़ा सा स्प्रे कर दिया मैंने तो कीड़े जो है ना वो नहीं आएंगे। सारी समेटा समाटी किचन में हो रही है, यहाँ मौसम गर्मी का है और बाहर टेम्परेचर जो है ना 48 होगा इस टाइम, तो हम लोग ना फिर भी पानी जो है वो नीम गर्म पीते हैं, पानी ठंडा नहीं पीते, फ्रिज का पानी तो बिल्कुल नहीं पीते। मेरे बच्चे भी और मैं हम लोग मिक्स कर बना के पानी जो है ना वो। किचन सारा साफ हो गया, बस बर्तन धोने रह गए, बर्तन धो के उसके बाद नाश्ता बनाते हैं, कुछ खाने लेते खा पी लेते हैं कुछ। इसके अंदर डाल दूँगी पानी पीने के लिए, अभी तो सारे गिलास धोने वाले पड़े हुए हैं, इनको धोकर तो फिर यूज़ करूँगी। अभी सारे बर्तन ये धोने वाले पड़े हुए हैं तो कप में डालकर मैं पानी पी रही हूँ। ये तो मेरा काम खत्म हो गया, ये सारे बर्तन धो दिए मैंने, सारा क्लियर हो गया। नज़र वीक हो गई है, नज़दीक चेक करवानी है अभी कितनी है कितनी नहीं।
तो किचन का काम मैंने ख़त्म कर लिया है, ऐसे ही बस थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ क्योंकि अभी बच्चे सारे सो रहे हैं। छोटा वाला तो उठा हुआ है, इसका रोज़ यही काम है, रोज़ यही काम है। पता नहीं कब स्कूल लगेंगे, स्कूल लगेंगे तो यही जान छूटेगी हमारी भी, शुक्र करेंगे स्कूल लगेंगे। किचन में चलती हूँ दोबारा से, कुछ बनाती हूँ, देखते हैं क्या बनाने लगी हूँ। तो आज किसी पार्टी पर भी जाना है, देखें गैदरिंग होनी है और कोरोना भी चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। तो फिर मैं वो पार्टी का भी छोटा मोटा ब्लॉग बनाऊंगी, छोटा और मोटा मोटा सा बनाऊंगी ब्लॉग और फिर वो भी मैं आप नेक्स्ट वीडियो में देखना, ठीक है। सब लोग व्लॉग्स बना रहे हैं, सब लोग व्लॉग बना रहे हैं, अपनी लाइफ दिखाते हैं, तो मैंने सोचा चलो हम भी थोड़ी सी ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या बनता है हमारा भी, हम भी ट्राई करके देखते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट व्लॉग था, तो नेक्स्ट वीडियो में भी आप देखेंगे कि कैसी लाइफ है यहाँ अरब मालिक में, जो हम लोग रह रहे होते हैं हमारी कैसी लाइफ होती है। हाँ जी, इधर ऑमलेट भी बन रहा है, तैयार हो गया तकरीबन, बहुत ही अच्छा मज़े का टेस्टी और सिंपल सिंपल ये ऑमलेट है, अंडा ये वाला ये भी बन गया, और इधर चाय भी तैयार हो गई है। बाहर मौसम बहुत ख़राब है अभी भी, पहले से और भी ज़्यादा जो है ना, ये देखें बहुत डस्ट हो गई है, पहले से भी ज़्यादा, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। शॉपिंग कैसे करेंगे, जाएंगे, सब कुछ ख़त्म हुआ है, शॉपिंग भी करनी है जी। चने हैं, रोटी है, अंडे का एक पीस है जो बनाया था, फ्राई किया था। तो ये नाश्ता सुबह मेरा ये होने लगा आज, आज ये है। डिफरेंट डिफरेंट करती रहती हूँ लेकिन आज मैं ये कर रही हूँ, और साथ में चाय, चाय तो लाजमी होती है, चाय तो ज़रूरी होती है। माशाल्लाह किचन बड़ा है, किचन में टेबल रखी हुई है, बैठ के आराम से खाना खा लेते हैं, नाश्ता भी यहीं पर करती हूँ मैं, बहुत मज़े का। ये जो आमलेट मैं बनाती हूँ ना, ये बहुत मज़े का बनता है, किसी दिन इसकी रेसिपी बताऊँगी, बहुत ही आसान है, 5 मिनट में बन जाता है। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है सबके, अल्लाह सबको खुश रखे जी। सबके लिए ढेरों सारी दुआएं भी हैं, जिस जिसकी जो भी हाजत है वो अल्लाह पूरी करे। मैं आज ना अपने कुछ पुराने ड्रेस निकाल कर ना, तो पड़े हुए थे, उनमें से कोई चूज़ करके तो वो ना रिपेयर कर रही हूँ। तो एक पार्टी आ गई है आज, हम वहाँ जाने वाली हूँ, दिखाती हूँ मैं अभी आपको। ये देखें जी, ये तकरीबन मेरा ख्याल कोई 10 साल पुराना तो होगा। तो इसके बाद बहुत लंबे थे और चिमटे वाले थे, मैंने इनके ना ये निशान लगा लिया कटिंग करके। मैंने ये काम सिलाई का अपनी खाला से सीखा था, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह की ड्रेस जो है ना मैं तैयार कर लेती हूँ, लेडीज़ बच्चों के और लेडीज़ ख़ास करके अपने बना लेती हूँ मैं कपड़े खुद ही। जब कोई डिज़ाइन वगैरह खुद मुझे कोई पसंद हो तो मैं फिर खुद ही बना लेती हूँ अपने कपड़े। डिज़ाइनिंग तो बहुत आती है लेकिन इस पर मैंने कोई काम नहीं किया इतना कुछ भी।